हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज की वीडियो का क्या टॉपिक होने वाला है वो आप मेरा टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। सो अब मेरे नैनो प्लास्टिक को ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं और फाइनली आई एम गोइंग टू गिव यू द रिव्यू कि 6 मंथ्स के बाद क्या बालों की कंडीशन है, क्या 6 मंथ तक नैनो प्लास्टिक चलता भी है और बाकी वही पुरानी चीज़ें जो आपने बहुत कॉमेंट्स में पूछी हैं। आई डोंट नो, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, क्या रीज़न है या फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्या रीज़न है आई डोंट नो। बट जो भी मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप सबने मुझसे बहुत कॉमेंट में पूछा है, सो वही सब मैं एक बार दोबारा से आपको आंसर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो मेरे बालों को जैसा कि मैंने बताया ऑलरेडी 6 मंथ्स हो, मैंने नैनो प्लास्टिक कराए हुए ऑलरेडी 6 मंथ्स हो चुके हैं और करंटली मेरे बालों में नैनो प्लास्टिक का नामो निशान भी नहीं बचा है। सो जो मैंने जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मेरे हेयर ड्रेसर ने बोला है कि नैनो प्लास्टिक आपका और आराम से 1 ईयर तक चलेगा, सो दैट वॉज अ वेरी बिग लाई। तो अगर आपको कोई भी हेयर ड्रेसर ऐसा कुछ बोलता है कि नैनो प्लास्टिक पूरा 1 साल तक चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। 6 मंथ्स में गायब हो चुका है पूरा नैनो प्लास्टिक मेरे बालों से। दूसरा, इसका स्ट्रेटनिंग इफेक्ट कितना लंबा चलता है। देखो, पहली बात तो इसमें क्या होता है कि आपके अगर बहुत ही ज़्यादा कर्ली हेयर है तो ये आपके बालों पे काम करेगा ही नहीं, बिकॉज नैनो प्लास्टिक से आपके बाल सिर्फ 60-50% मैक्सिमम, अगर आप ये मान लो 70-50% तक ही आपके बाल स्ट्रेट होते हैं, पूरी तरह स्ट्रेट होते ही नहीं है। और जिनके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेटनिंग इफेक्ट वाला ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको स्ट्रेटनिंग इफेक्ट चाहिए तो आप स्मूदनिंग कराइए, दैट इज़ द ओनली currently available option for you। ठीक है, दूसरा कि हेयर टेक्स्चर मेरे बालों का भी कैसा है। मेरे बालों का अभी जो मेरा नेचुरल टेक्स्चर और जो नेचुरल कर्व्स एंड वेव्स है मेरे बालों में, वो सब वापस आ चुका है। अभी जो आपको मेरे बाल दिख रहे हैं ये मैंने ऑलरेडी स्ट्रेटनर से स्ट्रेटन करे हुए हैं व्हेन आई वॉश देम, इसीलिए आपको इतना स्ट्रेट दिख रहे हैं। वरना अगर मैं आपको नहा कर बिल्कुल बाहर आकर दिखाती कि बाल मेरे कैसे लगते हैं तो बिल्कुल नेचुरल टेक्स्चर में इतने स्ट्रेट नहीं है मेरे बाल। ठीक है, तीसरा ये जो मुझे उन्होंने बोला था हेयर ड्रेसर ने कि आपके बाल बिल्कुल ब्लेंड इन हो जाएंगे, आपके बाल ऐसे अलग से स्पूकी स्ट्रेट नहीं दिखेंगे, तो ये बात बिल्कुल उन्होंने सच बोली थी। मेरे बाल बिल्कुल ब्लेंड इन हो चुके हैं, मतलब स्मूदनिंग में आपके बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाते हैं एंड दैट स्ट्रेटनिंग इफेक्ट डजंट गो अवे। जैसे अगर आपने कभी स्मूदनिंग कराई होगी, आपने एक्सपीरियंस करा होगा, जो स्मूदन्ड बाल होते हैं ना जिनमें केमिकल लगा होता है, वो बाल कभी भी कर्ल्स में नहीं आते हैं, वो स्ट्रेट ही रहते हैं। लेकिन नैनो प्लास्टिक में ऐसा नहीं है। आपको मतलब नैनो प्लास्टिक में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है कि आपके नैनो प्लास्टिक में आपको हर बार जब भी आप वॉश कर रहे हो तो आपको अपने बालों को सुखाना होगा, भले ही आप कूल सेटिंग पे सुखाओ, आपको फटाफट सुखाना होगा उनको कॉम से स्ट्रेट करते हुए, क्योंकि अगर आप उनको बालों को गीला छोड़ोगे तो आपके बाल जिस स्टेट में होंगे जब वो गीले हैं तो वो उसी स्टेट में रह जाएंगे। सो एक तो ये चीज़ है, स्मूदनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। आपने एक बार स्मूदनिंग करा लिया, आप उनको सुखाओ ना सुखाओ, जो कैसे भी रखो, वो स्ट्रेट ही रहने वाला है। तो दैट इज़ द थिंग विद स्मूदनिंग। तो नैनो प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको नैनो प्लास्टिक कराने के बाद भी आपको वो टाइम इन्वेस्ट करना ही पड़ता है अपने बालों को। फाइनली चुप हुआ, ओके। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि आपको वैसे भी करना ही पड़ेगा, नैनो प्लास्टिक कराने के बाद भी आपको One eternity later. So, मैं ये बोल रही थी कि यही होता है कि नैनोप्लास्टिक में आप नैनोप्लास्टिक कराने के बाद भी आपको कुछ अमाउंट डालना पड़ ही रहा है आपको अपने बालों की केयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। स्मूदनिंग में नहीं है, स्मूदनिंग में स्ट्रेट करे हैं उन्होंने तो स्ट्रेट ही रहेंगे। अंटिल अनलेस आपके कोई नई ग्रोथ आ रही है बालों की, वो आपकी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आएगी, जैसे भी आपका ओरिजिनल टेक्सचर है उसी टेक्सचर में आएगी। लेकिन नैनोप्लास्टिक में क्या होता है, नैनोप्लास्टिक में आपके बाल पूरी तरह 100% स्ट्रेट होते ही नहीं है, 60-70% तक ही स्ट्रेट होते हैं, तो वो
कुछ टाइम बाद जैसे जैसे आपका नैनोप्लास्टर वीन ऑफ करता है तो आपकी नेचुरल ग्रोथ जो आ रही है और जो आपके नैनोप्लास्टर ट्रीटेड हेयर है वो और पुराने जो बाल नए जो बाल आ रहे हैं वो सब ब्लेंड हो जाता है, तो ऐसे कुछ अलग से आपको वो नहीं दिखता। जैसे स्मूदनिंग के बाद एक आपको बेंड वाला एक जो प्रॉब्लम आता है वो नहीं था, और मैंने मेनली इसीलिए नैनोप्लास्टर कराया था, तो मेरी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब जो मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली लोगों ने कमेंट में पूछा है कि कौन सा शैम्पू यूज़ करे कौन सा नहीं करे, वैसे ऑलरेडी मैं इस चीज़ पे वीडियो बना चुकी हूँ, आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो देखा नहीं देखा या क्या हुआ क्यों समझ नहीं आया, बट इट्स ओके, मैं फिर से इसमें बता देती हूँ, इसी वीडियो में बता देती हूँ कि अगर आपको रैनोप्लास्टिया के बाद कोई शैम्पू यूज़ करना है तो आप, मैं जो मतलब मैंने ये देखो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जो मैंने यूज़ करा है मैं वही आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे उस चीज़ के अच्छे सही रिजल्ट्स मिले। सो आई यूज़ लॉरियल एक्सटेंसो गोल्ड वाला वेरिएंट एंड उसी का मैंने मास्क यूज़ करा था, उसी का शैम्पू यूज़ करा था, मैं कंडीशनर कभी यूज़ करा नहीं है। दूसरी चीज़ कि बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि हम मामा अर्थ का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर ले या फिर हम खादी का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कर ले या फिर हम और भी जो भी ऐसे अफोर्डेबल रेंज वाले ब्रांड्स हैं उनके शैम्पू यूज़ कर ले, बेला प्रोफेशनल का यूज़ कर ले, तो आईड से कि आप जो थोड़े कम प्राइस वाले ब्रांड्स हैं ना उनकी तरफ थोड़ा मत जाओ, बिकॉज जब भी आप कोई महंगा शैम्पू ले रहे हो जैसे वेला प्रोफेशनल है मैट्रिक्स ही ले लो, तो उसमें चेक करो कि उसमें सल्फेट है तो नहीं, जस्ट बिकॉज दे आर राइटिंग कि कलर्ड हेयर के लिए ट्रीटेड हेयर के लिए है तो उसमें सल्फेट ना हो, आप हमेशा इंग्रेडिएंट्स चेक करो तभी शैम्पू लो। दूसरा, लॉरियल इज़ अ थोड़ा ट्रस्टेड ब्रांड हेयर केयर के मामले में, तो इसीलिए आई चोज लॉरियल। तीसरा, अगर आप और आपका बजट है अलाउ करता है तो आप बिल्कुल लो जीके का शैम्पू लो और जो हाई एंड ब्रांड्स हैं उनका शैम्पू लो। कुछ लोग मेरे से भी पूछ रहे थे कि क्या हम मुझे ब्रांड का तो नाम याद नहीं है, कुछ W करके कुछ ब्रांड था, आई डोंट नो, ऐसा कुछ ब्रांड था जिसकी क्रीम ही आती है, जो ट्रीटमेंट क्रीम होती है नैनोप्लास्टिक की वो क्रीम आती है, तो वो उसी का शैम्पू कंडीशनर यूज़ करने के लिए पूछ रहे थे, तो ऐसा शैम्पू कंडीशनर तो आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो बिकॉज उसी ब्रांड की क्रीम है, उसी ब्रांड के आप शैम्पू और मास्क यूज़ करना चाहते हो तो दैट इज़ टोटली ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो, कोई आपका डाउट हो, सो यू कैन डेफिनेटली कॉमेंट या आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हो। वैसे आई प्रेफर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें बिकॉज कॉमेंट में मैं आपको हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बट अगर आप मुझे DM कर दोगे तो ऑब्वियसली आई विल गेट बैक टू यू और आप जो भी पूछना चाहते हो कम्फर्टेबली पूछ सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।